नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की दो खास बातें हैं कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पूरा दिन जयपुर शहर को दिया। 8 सीटें हैं। सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर गए। भाजपा इस तरह का काम करती रही है, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर जाकर हर चीज़ की शुरुआत करती है भाजपा। भैरव सिंह शेखावत के ज़माने से, वसुंधरा राजे के ज़माने से, अशोक गहलोत पूरे दलबल सहित, कार्यकर्ताओं सहित जयपुर से चुनाव लड़ रही अर्चना शर्मा और तमाम लोग, रंधावा सब मौजूद। ये देखिए कैसे, प्रताप सिंह खाचरवास भी मौजूद हैं, कैसे यहाँ से उन्होंने आगाज किया, कैसे यहाँ से शुरुआत की। गारंटी यात्रा 33 जिलों में होगी, 4,400 किलोमीटर जाएगी और उन 7 गारंटियों का प्रचार करेगी, लोगों को अवगत कराएगी, गारंटी कार्ड बांटेगी। गारंटी कार्ड अब तक सरकार देती थी, अब कांग्रेस पार्टी दे रही है। हम सत्ता में आए तो आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि ये करेंगे, जिसमें 2 किलो गोबर खरीदना और तमाम जो 7 गारंटियां वचन दिए मुख्यमंत्री ने, वो सारे वचन शामिल हैं। इन सब की गारंटी को लेकर कांग्रेस गारंटी यात्रा निकाल रही है। गारंटी यात्रा 10 नवंबर को संभवतः, 9 नवंबर को उदयपुर, कल जोधपुर रहेगी, 9 नवंबर को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर, 14 नवंबर को कोटा, 15 नवंबर को भरतपुर में होगी। मैं समझता हूँ सभी जगह शायद मुख्यमंत्री जाएंगे और संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री गणेश जी के, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर से रवाना हुए और फिर मंदिर गए श्री कृष्ण परनामी मंदिर राजा पार्क में, फिर राजा पार्क के गुरुद्वारे गए, वहाँ मत्था टेका, अमन चैन की कामना की, ऐसा उन्होंने कहा। ये बताया कि मीडिया से बातचीत में कि मैंने अमन चैन की शांति की कामना की है। ये गारंटी कार्ड वितरित करने का काम कैंप लगाकर किया जाएगा और बड़ी संख्या में कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ इस यात्रा के दौरान गारंटी संवाद होगा, 137 जगह गारंटी संवाद, यानी कि एक्सप्लेन की जाएगी क्या गारंटी दे रहे हैं, क्यों गारंटी दे रहे हैं, कैसे पूरी करेंगे, वोट दीजिए हमको। मोहन जीतन सिंह भी आज काफ़ी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है और यहाँ से गोविंद देव जी मंदिर जाकर वो शाम को बड़ी चौपड़ पर उन्होंने आम सभा की, एक सभा को संबोधित किया। महेश जोशी ने भी उस सभा को संबोधित किया जिनका टिकट कट गया, पर वो पूरी तल्लीनता के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और रोड शो हुआ अशोक गहलोत का, लंबा रोड शो परकोटे के, वहाँ गोविंद देव जी के मंदिर से सभा स्थल तक। देखिए मुख्यमंत्री का रोड शो और मुख्यमंत्री के इस रोड शो में नेचुरली सड़क के दोनों तरफ मकानों से बाहर निकल के आए परकोटे के इलाके में और लोगों ने अभिवादन भी स्वीकार किया, अभिवादन भी किया। देखिए अर्चना शर्मा हाथ जोड़ रही हैं। आज का दिन उन्होंने जयपुर के नाम किया, क्योंकि अब वो निकलेंगे राजस्थान में, बाहर निकलेंगे शायद, कल जोधपुर जाएंगे या जयपुर रहेंगे, तो फिर आगे गारंटी यात्रा में भी और बड़ी सभाओं में भी, जिनमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे आएंगे, उन सभा में रहेंगे, प्रचार में रहेंगे चुनाव के, इसलिए आज उन्होंने पूरा दिन राजधानी को दिया। ये वो बस है, जो बसें तैयार की गई हैं गारंटी यात्रा के लिए, इन बसों के चारों तरफ ज़बरदस्त ब्रांडिंग की गई है गारंटी कार्ड की, कि ये गारंटी हम देते हैं, ये गारंटी हम देते हैं, ये गारंटी हम देते हैं। ये बसें जाएंगी, मुख्यमंत्री ने बस में बैठ करके एक बार आगाज किया, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ कर गए। ये मोती डूंगरी मंदिर के बाहर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश था जयपुर के, और रात तक अमीन कागजी के इलाके में सभा की, अमीन कागजी पास में बैठे थे उनके, अर्चना शर्मा के लिए उन्होंने प्रचार किया, रफीक खान के लिए प्रचार किया, कई विधानसभा क्षेत्र आज उन्होंने अपनी यात्रा से गुजारे। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री ने आज
गारंटी कार्ड को लेकर, गारंटी कार्ड यात्रा को लेकर। लोगों में सत्ता विरोध लहर नहीं है, 10 गारंटी इतनी शानदार है, 25 लाख का बीमा अपने आप में एक इतिहास बन गया है देश के अंदर। 25 लाख का बीमा इलाज के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो भी इतिहास बना है। बाकी गारंटी आपके सामने है, लोगों में यकीन हो गया कि ये हम कहते हैं वो करते हैं। अब 7 गारंटी जो दी है उनका प्रचार प्रसार होगा, घर तक बात पहुँचेगी, लोग विश्लेषण करेंगे उनका, और फिर मैनिफेस्टो आएगा। तो हमारा प्रोसेस और हमारी प्रक्रिया, हमारी अप्रोच सरकार के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है चुनाव का, सिर्फ ये रहेगी कि हमने काम क्या किया है, उसके आधार पर हम लोग वोट मांगने हकदार हैं, ये हम कहना चाहेंगे पब्लिक। बाकी तो माई बाप जनता है, वो फैसला करेगी। देखिए, जो पिछले हमारे काम हैं उनके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। जब इलेक्शन आती है तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी उग्र होकर आती है कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते। कल मैं हंडोली गया, वहाँ बेशुमार लोग थे, वहाँ उसके गोपाल मीणा के गया, और जहाँ जहाँ भी गया हूँ लोगों का मेरे ख्याल फ्लड आ गया है। तो हम निश्चित रूप पर जीत कर अपनी सरकार बनाएंगे और 2024 में भी पार्लियामेंट की सीटें जीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे, मौन के साथ भंवर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर महेश जोशी और आरआर तिवाड़ी शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो हवा महल से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मौजूद थे, अमीन कागी भी थे, राजीव अरोड़ा भी थे, ब्रजकिशोर शर्मा जो वहाँ से विधायक होकर मंत्री रहे हैं हवा महल से ही, उन्हीं के इलाके में ये सभा थी, ये यात्रा थी। वहाँ भी ब्रजकिशोर शर्मा मौजूद रहे, और आरआर तिवाड़ी जो हवा महल से उम्मीदवार हैं उन्होंने कहा कि वो सबका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आला कमान ने जो विश्वास जताया उस विश्वास पर खड़े उतरना चाहते हैं। इसी जगह से महेश जोशी MLA हैं आज की तारीख में, पर अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आरआर तिवाड़ी। आइए सुनते हैं क्या कहा आरआर तिवाड़ी ने। हवा महल में मेरे को हाई कमान ने आपके आशीर्वाद से यहाँ का कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मेरा दायित्व है कि मेरे 8 विधानसभा के साथ ही जीत करके फिर अशोक गहलोत को आने वाला 4th नंबर का मुख्यमंत्री बनाए। अशोक गहलोत अपना वचन निभाते हैं तो जयपुर वालों वचन निभाओ, हाथ ऊंचे करके जयपुर के 8 विधानसभा की सीट जिता करके कांग्रेस राज का बनाएंगे। आरआर तिवाड़ी डाउन टू अर्थ आदमी हैं, साधारण कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के, इस वक्त शहर अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया और ये पूरे ये सीट चर्चा का विषय है पूरे जयपुर में।